वृंदावन में नौका रूपी कुंज महल में सवार होकर श्री वृंदावन धाम में भगवान ने दर्शन दिए। वृंदावन स्थित चंद्रोदय मंदिर में त्रिदिवसीय कार्तिक उत्सव का शुभारंभ नौका विहार उत्सव के साथ हुआ। इस उत्सव में सर्वप्रथम राधा वृंदावन चंद्र के श्री विग्रह को पालकी के माध्यम से मंदिर प्रांगण स्थित कल्याणी के निकट लाया गया। उसके पश्चात नौका रूपी कुंज महल पर विराजमान कर नौका विहार कराया। श्री राधा वृंदावन चंद्र के इस दिव्य मनोहरी रूप को देखने के लिए मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर इस्कॉन बेंगलोर के विभिन्न केंद्रों में अनेक भक्तगण कार्तिक उत्सव का हिस्सा बनने पहुंचे। सबको भक्तों के द्वारा मंदिर प्रांगण कल्याणी नौका को विभिन्न प्रकार के पुष्पों का चयन कर बड़े ही मनोहर रूप से सजाया गया। नौका विहार के दौरान विभिन्न प्रकार के पुष्पों से आच्छादित नौका पर विराजमान ठाकुर जी के दर्शन कर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। ऋतिक अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। हरे कृष्णा। कार्तिक उत्सव में आज हमने त्रिदिवसीय जो कार्तिक उत्सव का आयोजन किया था वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में, इसका प्रथम दिन था और हमने भगवान को नौका विहार करवाया। तो शाम को लगभग 6 बजे भगवान की पालकी निकली थी और सभी भक्तों ने कीर्तन करते हुए भगवान की पालकी निकाली और जो मंदिर का सरोवर है इसको कल्याणी कहते हैं, वहाँ पे सरोवर पहुँच जो पालकी थी पहुँची भगवान जी की, राधा कृष्णा की, और उनका पालकी से उतर के नाव पर सवारी हुई। सभी भक्तों का कीर्तन चल रहा था और उसके पश्चात नौका विहार के बाद सभी लोग एकत्रित हुए लॉन के पास में और दामोदर उत्सव मनाया गया। लगभग 500 से 1000 के बीच भक्त लोग पूरे भारत से आए हुए थे और सभी ने दीपदान किया। तो बहुत ही अच्छा कार्तिक का ये विशेष जो महीना है हमने यहाँ वृंदावन चंद्र मंदिर में मनाया और कल शोभा यात्रा होगी, भगवान की रथ में सवारी निकलेगी। हरे कृष्ण। मथुरा के अड़ींग में एक दिव्यांग युवक ने आत्महत्या करने के लिए अड़ींग नहर में छलांग लगा।